नाथों के नाथ प्रभु जगन्नाथ हम सभी के परम स्वामी हैं। वे सदैव हमारी रक्षा करते हैं और अपनी करुणामयी दृष्टि बनाए रखते हैं। प्रभु जगन्नाथ पुरी धाम में निवास करते हैं और वहीं से अपनी असीम कृपा बरसाते हैं। आज हम आपको जगन्नाथ प्रभु के कुछ ऐसे रहस्यों के बारे में बताएंगे जिनका रहस्य आज तक कोई नहीं जान सका है। उनके चमत्कार इतने अद्भुत हैं कि उनकी गूंज दूर दूर के देशों तक सुनाई देती है। उड़ीसा के लोग प्रभु जगन्नाथ को जीवित परम ब्रह्मा कहते हैं और उन्हें नियमित रूप से भोजन कराते हैं, सुलाते हैं, खेल खिलाते हैं, वस्त्र बदलते हैं और तो और नगर भ्रमण के लिए भी ले जाते हैं। प्रभु से हम सबका गहरा नाता है। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है कि प्रभु जगन्नाथ जी बीमार हो चुके हैं, अब आप उनके दर्शन नहीं कर पाएंगे। इसके पीछे क्या रहस्य है, चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले भगवान जगन्नाथ की इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और कमेंट बॉक्स में सच्चे हृदय से जय श्री जगन्नाथ जरूर लिखना और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करना। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारे आस पास बहुत सी ऐसी घटनाएं और बातें होती हैं जो रहस्य से जुड़ी होती हैं। ना जाने ऐसी कितनी मान्यताएं होती हैं जो सदियों से चली आती हैं और हम उनके कारण जाने बिना ही उनका अनुसरण करते रहते हैं। वहीं कुछ मंदिर ऐसे भी हैं जो कई रहस्यों का आईना दिखाते हैं और हमारे संस्कृति के विरासत है। ऐसे ही मंदिरों में से एक है भगवान जगन्नाथ मंदिर, जहां पर हर साल रथ यात्रा का आयोजन किया जाता है और यहां पर सैकड़ों की संख्या में भक्त इकट्ठा होते हैं। और वही इसका कारण यह है कि रथ यात्रा के 15 दिन पहले भगवान जगन्नाथ जी बीमार हो जाते हैं और एकांत वास में चले जाते हैं। उस समय मंदिर का वह हिस्सा बंद कर दिया जाता है और जहां पर भगवान जगन्नाथ अपने भाई बहन के साथ मौजूद होते हैं, वहां पर किसी को जाने की इजाज़त नहीं दी जाती है। मान्यता है कि रथ यात्रा के आरम्भ होने के 15 दिन पहले ही भगवान को बुखार आ जाता है और वह एकांत वास में चले जाते हैं। इस कारण वह भक्तों को दर्शन नहीं देते। इस पूरी अवधि में जगन्नाथ प्रभु के पास सिर्फ मुख्य पुजारी का जाना ही होता है और वहीं भगवान का श्रृंगार करते हैं और वहीं भोग लगाते हैं। उस समय भगवान को आराम के साथ साथ देखभाल की आवश्यकता होती है। इस दौरान उन्हें जड़ी बूटियां और औषधियों से युक्त भोजन दिया जाता है और बाद में पूरी तरह से ठीक होने के बाद उन्हें रथ यात्रा के लिए तैयार किया जाता है और मंदिरों से बाहर निकलते हैं। मान्यता है कि आषाढ़ महीने में जब बहुत धूप और गर्मी होती है, उस समय भगवान को गर्भगृह से बाहर निकालकर 108 घड़े ठंडे पानी से स्नान करवाया जाता है। इस पर उन्हें बाहर प्रांगण में निकालकर बैठाया जाता है और स्नान कराया जाता है। इस उत्सव को स्नान उत्सव कहा जाता है और इस दौरान सैकड़ों भक्त प्रांगण में आते हैं। इस कारण ज्येष्ठ पूर्णिमा के बाद मुख्य मंदिर के द्वार को पूरी तरह से बंद कर दिया जाता है, क्योंकि ठंडे पानी से स्नान करने के बाद भगवान बीमार हो जाते हैं। और अगर हम इसके मुख्य कारण की बात करें तो इसका मुख्य कारण यह है कि पुरी में बहुत गर्मी होती है और भक्त भगवान के लिए, मतलब उनके दर्शन के लिए उनको कठिनाई ना हो, इसलिए बंद कर दिया जाता है। भगवान जगन्नाथ पूरे दिन धूप में खड़े रहते हैं और ठंडे पानी से स्नान करते हैं, इसलिए माना जाता है कि ठंडा घर होने की वजह से वह बीमार होते हैं और उन्हें बुखार आता है और उनके उपचार के लिए उन्हें कमरे में रख दिया जाता है, जहां उन्हें भोजन के रूप में औषधि दी जाती है और उनका एक मरीज की तरह उपचार किया जाता है। दोस्तों, एक और प्रचलित कथा के अनुसार उड़ीसा प्रांत में पुरी में भगवान जगन्नाथ के भक्त माधव दास रहते थे। वह अकेले रहते थे और भगवान जगन्नाथ को भोजन कराया करते थे, उनकी सेवा करते थे। उनको सांसारिक जीवन से कोई लेना देना नहीं था, ना उनको किसी चीज से कोई मोह था। एक दिन अचानक माधवदास की तबीयत खराब हो गई, उन्हें उल्टी दस्त का रोग हो गया और वह बहुत कमजोर हो गए। उन्हें बैठने में भी समस्या होने लगी। वह अपना काम स्वयं किया करते थे, किसी से मदद नहीं लिया करते थे। देखते ही देखते उनकी तबीयत ज्यादा खराब हो गई और स्वयं भगवान जगन्नाथ माधवदास के पास उनकी सेवा के लिए आए। माधव के गंदे वस्त्र भगवान जगन्नाथ अपने हाथों से साफ किया करते थे, उन्हें स्नान कराते थे और उनकी संपूर्ण सेवा करते थे। जब माधवदास स्वस्थ हुए और उन्हें होश आया, तब भगवान जगन्नाथ को इतनी सेवा करते देख वह पहचान गए कि यह तो मेरे प्रभु हैं।
एक दिन माधव ने जगन्नाथ जी से पूछा कि आप तो त्रिभुवन के मालिक हो, संसार के स्वामी हो, आप मेरी सेवा क्यों कर रहे हो? आप चाहते तो मेरा यह रोग एक दिन में ठीक हो जाता। अगर रोग दूर हो जाता तो आपको ये सब सेवा करने की क्या जरूरत थी? तब भगवान जगन्नाथ जी ने कहा, देखो माधव, मुझे भक्तों का कष्ट सहा नहीं जाता। इसके कारण तुम्हारे सिवा मैंने स्वयं की जो प्रारब्ध होता है उसे तो भोगना ही होता है। अगर उसको इस जन्म में नहीं काटोगे तो उसको भोगने के लिए फिर से तुम्हें जन्म लेना होगा, और मैं नहीं चाहता कि मेरे इतने बड़े भक्त को छोटे से प्रारब्ध के लिए अगला जन्म लेना पड़े। लेकिन अगर फिर भी तुम कह रहे हो तो भक्त की बात भी नहीं टाली जा सकती। तुम्हारे प्रारब्ध में 1 या 15 दिनों का रोग और बचा है, इसीलिए 15 दिनों का रोग मुझे तुम दे दो। तब भगवान जगन्नाथ जी ने माधव का वह रोग ले लिया, और तब से जगन्नाथ जी 15 दिनों के लिए बीमार होते हैं, और तब भगवान जगन्नाथ जी के कपाट 15 दिनों के लिए बंद होते हैं। तब भगवान जगन्नाथ को फलों के रस, औषध एवं दलिया का भोग लगाया जाता है। शास्त्रों के अनुसार भगवान जगन्नाथ के अस्वस्थ होने को उनके ज्वर लीला कहा जाता है। जब भगवान जी स्वस्थ हो जाते हैं तब वो अपने भक्तों से मिलने के लिए रथ पर सवार होकर बाहर आते हैं। दोस्तों, पुरी का जगन्नाथ मंदिर भारत के सबसे पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक है। इस मंदिर की वास्तुकला और धार्मिक महत्व के अलावा यहाँ के कुछ अनूठे रीति रिवाज भी दर्शकों को आश्चर्यचकित करते हैं। इनमें से एक है भोजन पकाने की विधि। यहाँ की रसोई में भोजन पकाने की प्रक्रिया वाकई अद्वितीय है। यहाँ 7 बर्तनों को एक के ऊपर एक रख कर खाना पकाया जाता है। ये बर्तन मिट्टी के बने होते हैं और इन्हें लकड़ी के चूल्हे पर रखा जाता है। सबसे चमत्कारी बात यह है कि सबसे ऊपर वाले बर्तन का खाना पहले पकता है और नीचे वाले बर्तन का बाद में। यह रहस्य सदियों से यहाँ की परंपरा का हिस्सा है और वैज्ञानिकों के लिए भी एक चुनौती बना हुआ है। इस अद्भुत परंपरा को देखने के लिए देश विदेश से लोग आते हैं। यह मंदिर न केवल धार्मिक आस्था का केंद्र है बल्कि भारतीय संस्कृति और परंपरा का जीवंत उदाहरण भी है। अब बात करते हैं उन लोगों की जिन्हें जगन्नाथ मंदिर में प्रवेश नहीं करने दिया जाता है। यह मंदिर अपनी धार्मिक और सांस्कृतिक पवित्रता को बनाए रखने के लिए कुछ विशेष नियमों का पालन करता है। यहाँ केवल हिंदू धर्म के अनुयायी ही प्रवेश कर सकते हैं। विदेशी और गैर हिंदू व्यक्तियों को मंदिर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। इतिहास में कई मशहूर व्यक्तियों को भी मंदिर में प्रवेश करने को नहीं मिला था। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को भी साल 1984 में जगन्नाथपुरी मंदिर में प्रवेश की अनुमति नहीं दी गई थी। इसके अलावा कुछ विशेष समुदायों और जातियों के लोगों को भी मंदिर में प्रवेश की अनुमति नहीं थी। हालांकि समय के साथ इन नियमों में कुछ बदलाव आए हैं। तो दोस्तों, यह थे पुरी के जगन्नाथ मंदिर के अनोखे रीति रिवाजों का विवरण। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो और इस वीडियो से कुछ सीखा हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को शेयर जरूर करना। मिलते हैं कोई और नॉलेजबल वीडियो में। धन्यवाद।